हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन 27। इस वीडियो में हम पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को ट्रिक से याद करेंगे। भारत की सीमा से लगे हुए देश देखिए, 7 देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं। वो हैं, पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पाँचवा म्यांमार, छठवा भूटान और सातवा अफगानिस्तान। इन 7 देश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को ट्रिक से याद करेंगे। इन 7 देशों को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। बचपन में MBA किया, बसे बांग्लादेश, चसे चीन, पसे पाकिस्तान और नसे नेपाल। और MBA एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। लेकिन हमें इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को याद करना है, तो हम उन्हें इस प्रकार से याद करेंगे। सबसे पहले हम बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को याद करेंगे। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। आसमान में मेघ के चित्र पूरे बंगाल में मजा कर रहे हैं। आसमान में मेघ के चित्र पूरे बंगाल में मजा कर रहे हैं। तो देखिए, आसमान से क्या बन जाए, असम, मेघ से मेघालय बन गया। चित्र और पूरे को मिला देते हैं तो ची को हटा देते हैं, यहाँ त्रिपुरा बन जाएगा ये, और बंगाल से पश्चिम बंगाल बन जाएगा, और मजा से मिजोरम। इस प्रकार से हम बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम चीन की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को याद करेंगे। तो देखिए, ट्रिक इस प्रकार है इसे, जमकर हिमगिरी उतर गया नशा और सिकुड़ गया आंचल। ये ट्रिक है, इसमें ही शब्द छुपे हुए हैं। देखिए, जमकर से हम जम लेते हैं, जम्मू कश्मीर बन जाता है, हिम से हिमाचल प्रदेश बन गया, उत्तर से बन जाता है उत्तर प्रदेश, और सिकुड़ का सी ले तो हम इससे बन जाएगा सिक्किम, और आंचल से बन जाता है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान। हम पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, इन्हें याद करने की ट्रिक इस प्रकार है, शेर का पंजा और राजा की गूंज सारे कश्मीर को हिला देती है। शेर का पंजा और राजा की गूंज सारे कश्मीर को हिला देती है, क्योंकि पंजा से बन जाता है पंजाब, राजा से बन जाएगा राजस्थान, और गूंज से बन जाता है गुजरात, और कश्मीर से जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम नेपाल की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को याद करेंगे। इन्हें याद करने की ट्रिक इस प्रकार है, देखिए, उसका प्रश्न बगुला क्यों हार जाता है सिकरे से। सिकरा एक पक्षी होता है, देखिए सिकरा एक पक्षी होता है जो पक्षियों का शिकार करता है। तो उत्तर क्या आता है, क्योंकि सिकरा जो पक्षी है वो पक्षियों की गर्दन के खंड कर देता है, अपने पंजे से खंड कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। तो उसका प्रश्न से उत्तर प्रदेश बन जाता है, बगुला से पश्चिम बंगाल बन जाता है, हार से बिहार बन जाता है, और सिकरा से सिक्किम बन जाएगा, और पंजा से पंजाब, और खंड से उत्तराखंड। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अब हम म्यांमार की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को याद करेंगे। तो देखिए, इन्हें इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अरुण को नांगमढ़ी पाने का रम है, रम एक नशा होता है। तो देखिए, अरुण को नांगमढ़ी पाने का रम है, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा, नांग से नागालैंड बन जाएगा, मणि से मणिपुर, और राम से मिजोरम। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब हम भूटान की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों को याद करेंगे। तो देखिए, इन्हें इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अरुण का सिक्का बंगाल में सम है, सम का मतलब कमज़ोर होता है, तो अरुण का सिक्का बंगाल में सम है। इस प्रकार से याद रखें, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, सिक्का से सिक्किम, और बंगाल से पश्चिम बंगाल, और सम से असम। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य, देखिए, अफगानिस्तान की सीमा से भारत का एक ही राज्य लगा हुआ है, वो है जम्मू कश्मीर, इसे याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,